का केकेआर न्यूज़ में स्वागत करती हूँ। चलिए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। भोपाल कृषि मंत्री कमल पटेल का बयान, कर्ज माफी एक धोखा था, यह काम हमने नहीं राहुल गांधी ने किया। उन्होंने कहा था कि 10 दिन में कर्जा माफ नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री बदल दूंगा। उसी डर में 54 लाख किसानों का कर्जा माफ किया जाता है और यदि नहीं किया तो इसके लिए कमलनाथ दोषी है। हमने किसानों के लिए चना मसूर को पहले खरीदने का निर्णय लिया जिससे कि 10,000 करोड़ रुपये किसानों की जेब में आएगा जो कि इनकी कर्जा माफी से ज्यादा है। भोपाल से संवाददाता सऊद सिद्दीकी की रिपोर्ट। ये कर्ज माफी एक धोखा था, कर्ज माफी का वादा हमने नहीं किया, कांग्रेस ने किया था, राहुल गांधी ने किया था। और ये कहा था कि 10 दिन में कर्ज माफ नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री बदल दूंगा। एक, और उसी डर में कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री बनते से ही सबसे पहला जो दस्तखत किए कि मध्य प्रदेश के 54 लाख किसानों का कर्जा माफ किया जाता है। जब कर्जा माफ कर दिया तो अब काहे का कर्ज माफी, और नहीं किया तो उसके लिए कमलनाथ दोषी है, भारतीय जनता पार्टी नहीं। हमने किसानों की आय बढ़ाने के लिए चना सरसों मसूर जो फरवरी मार्च में आ जाता है गेहूं के साथ, लेकिन खरीदा जाता था बाद में, हमने पहले खरीदने का निर्णय लिया। इसलिए 10,000 करोड़ से ज्यादा किसानों की जेब में आएगा जो इनकी कर्ज माफी से ज्यादा है। इसी प्रकार बीमा हमने 1 महीने तारीख बढ़ाई खरीफ फसल में और उससे 9 से 10 हजार करोड़ हम कर्ज बीमा का पैसा दिलाएंगे 40-45 लाख किसानों को। तो ये है भारतीय जनता पार्टी, किसान को अपने पैर पर खड़ा करना चाहती है। ये थी आज की कुछ खबरें। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।